नमस्कार, उत्तराखंड की तमाम खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। आगामी लोकसभा चुनाव मद्देनजर बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने हुंकार भरते हुए जन आक्रोश परिवर्तन यात्रा का आगाज कर दिया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गदरपुर अनाज मंडी में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेश ने परिवर्तन रैली में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेश ने कहा है कि उत्तराखंड प्रदेश 5 सीटों पर कांग्रेस फिर से विराजमान होने जा रही है और उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जनता का रुख कांग्रेस की तरफ चुका है। राहुल गांधी को पूरे देश में प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और जब लोग अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमें गुटबाजी है, मतभिन्नता है। लेकिन मैं समझता हूं राहुल जी के प्रति सभी कांग्रेस के लोग समर्पित हैं और कांग्रेस के एक एक साथी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता का ये दृढ़ संकल्प है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल जी को देश की बागडोर सौंपनी है और हमारा लक्ष्य है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर 5 की 5 लोकसभा सीटें जीत करके राहुल जी के हाथों को मजबूत करने का काम पसंद नहीं करता। इसे गुटबाजी थोड़ी करते, जो जीता वही सिकंदर, जो जीत जाएगा वो सिकंदर हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहा हूँ। मैडम सब ठीक होगा। इस यात्रा में जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आह्वान है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ही अंडर में सब होते हैं, कितना भी बड़ा आदमी हो। जैसे राहुल गांधी के अंडर में सब है, चाहे जितना बड़ा आदमी हो। राहुल गांधी देश के नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के अधीन है। हमारे अध्यक्ष भी और सभी, चाहे हरीश रावत हो, कोई भी हो, सब राहुल गांधी के अधीन। ऐसे टेस्टिंग को देख लिया है, सदन में पूछेंगे, उनसे कहेंगे स्थिति बताइए क्या है, आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लोकायुक्त नहीं है, लोकायुक्त करिए ताकि भ्रष्टाचार की जाँच हो सके। हरिद्वार के रोडी बेलवाला में हजारों की तादाद में लोग रोजगार के लिए आसपास क्षेत्र में दुकानें लगाते हैं जिससे उनका गुजर बसर चलता है। यहां मंदिर का निर्माण महेंद्र सिंह टिकैत ने किया था और यहां रह रहे लोगों को रोजी रोटी मिल सके इसके लिए मंदिर के पास ही इन लोगों की दुकानें भी लगवाई गई थी, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन ने मंदिर के साथ साथ यहां लोगों की दुकानें भी तोड़ दी। इसी को लेकर वहां रह रहे लोगों ने धरना दिया और साथ ही किसान यूनियन के लोगों ने उनको समर्थन दिया। किसान यूनियन के संरक्षक त्रिकाल दर्शी शिवपुरी महाराज ने चेतावनी देते हुए कहा है कि मंदिर को दोबारा स्थापित ना किया गया तो इसका खामियाजा शासन प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। और वहां से वो खा करके सीधा गंगा नदी में वो खिड़की के द्वारा फेंक दिए जाते हैं। ऐसे ऐसे गतिविधि, इस पे सरकार का किसी प्रकार से ध्यान नहीं है। जो लोग गंगा किनारे रहते हैं, यहाँ पर लेडीज के कपड़े वस्त्र बदलने तक के जो वहाँ पर जो प्रक्रिया, वहाँ का जाकर के आप हाल देखें, उसमें लेटरिंग इतनी इतनी गंदगी है, उसको सारे धोल धाल करके गंगा जी में बहा दिए जाते हैं, उसमें किसी का हाल नहीं है। आप क्या करने वाले हैं? हम ये कहता हूँ सरकार से कि अगर जल्द से जल्द इस पे ध्यान दे। वो सोचती हैं कि सिर्फ सिर्फ आश्वासन, मतलब कि किसान यूनियन रैली करती है या पत्र क्या करती है या अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ भाषण देती है, तो उनको मैं बता दूँ कि बहुत ही बुरा, अभी ज़्यादा दिन नहीं है, 3 महीने ही आपके पास, 3 महीने में ही रिजल्ट आने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, 3 महीने में आपको खुद ही मिल जाएगा कि क्या होने वाला है और क्या करने वाले हैं हम लोग। आप क्या करेंगे अगर ये मंदिर की जल्द से जल्द यहाँ पर मंदिर बननी चाहिए और महात्मा टिकैत जी की एक प्रतिमा में, भव्य प्रतिमाएं हरिद्वार में यहाँ पर लगनी चाहिए और ये अति शीघ्र सरकार से हमारी मांग रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ये प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैंने आपको बता ही रखा और 3 स्टेट में बता ही दिया किसानों ने, और अभी भी कल भी 2 रिजल्ट निकला है, उसमें भी बता ही दिया अभी शासन क्या क्या हो रहा है। अगर मंदिर नहीं बनता है तो संत लोग भी और किसान लोग भी, संत तो लड़ेंगे और साथ में किसान भी, पूरी देहरादून की घेराबंदी करेंगे और ऐसी घेराबंदी करेंगे कि नानी याद आ जाएगी। कितने दिन का समय आप देते हैं? मैं उनको 1 से 1.5 महीने का टाइम देता हूँ। इसी बीच में आचार संहिता लगने वाले हैं, आचार संहिता लगने से पहले वो मंदिर की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दे गंगा किनारे में और यहाँ पर जो भी दिक्कत है उनका समस्या का समाधान करें। मैंने CM साहब से एक बार मिला था बहुत पहले, मैंने उनको कहा था कि एक बार आप पग यात्रा करें गंगा किनारे, आपको यहाँ की हाल स्थिति का पता चल जाएगा। मैंने उनको जा करके भी एक बार कहा भी था उनसे, लेकिन उन्होंने एक बार भी, आज 3 साल 2.5 साल हो गए उनकी सरकार की, एक बार भी इधर को देखने तक के लिए नहीं आए। देश भर में जिस तरह से किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और कई संगठन किसानों के पक्ष में सामने आकर किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं,
किसान सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रही है कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी की सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी सरकार है। मिल मालिक और सरकार दोनों मिलकर किसानों का शोषण कर रहे हैं। गन्नों का पिछले सालों का भी भुगतान अभी तक सरकार ने मिल मालिकों से नहीं कराया है। मिल मालिक सरकार पर हावी हो रहे हैं, जिसके कारण यह किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं दे पा रहे। किसान तो ना यहाँ की सरकार जो है ये भाजपा सरकार पूर्ण रूप से किसान विरोधी सरकार और फेल सरकार। मिल मालिक और सरकार मिलकर दोनों किसानों का ही शोषण कर रहे हैं। यहाँ 14 दिन बाद भुगतान की बात करी गई थी, पिछले साल का भी लगभग 250 करोड़ मिल लोगों बकाया, आज तक वो पिछले साल का भुगतान भी नहीं हो पाया। तो सरकार का कोई अंकुश मिल मालिकों पर नहीं है, मिल मालिक सरकार पर हावी पूर्ण रूप से हो रहे। और किसानों का तो जो इन्होंने 5 राज्य में हाल हुए, आने वाले चुनाव में किसान इसका जवाब देगा, उत्तराखंड सरकार। तो हमारी फरवरी के महीने में हम सचिवालय का घिराव करेंगे, पूरे उत्तराखंड के किसान सचिवालय पर जाएंगे और इस सरकार से जवाब मांगेंगे। सरकार तो किसान के पास आ नहीं रही, हम तो ये देखने जाएंगे, सरकार को देखने के लिए जाएंगे कि सरकार है कहाँ। सरकार तो हमें मिल ही नहीं रही, किसान तो सरकार को देखते फिर रहे और सरकार किसानों को मिल ही नहीं रही। तो हम तो ये देखेंगे कि उत्तराखंड सरकार कहाँ है। फरवरी के हम फरवरी में प्रोग्राम बनाओगे और सचिवालय का घिराव कराया जाएगा, पूरे उत्तराखंड के किसान उसमें रहे। वहीं राष्ट्रपति महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक शब्द का उपयोग करने वाली संस्थाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तराखंड विकास मंच ने वाल्मीकि चौक से चंडी घाट मार्ग पर पैदल मार्च निकालकर महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले संगठनों पर देशद्रोह के मुकदमे लगाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी के समर्थन में नारेबाजी कर संयुक्त रूप से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में यह भी मांग की है, जो संस्थाएं जो लोग शहीदों का अपमान करते हैं उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई वास्तविकता के आधार पर होनी चाहिए। रोल जिस प्रकार से स्वर्गीय महात्मा गांधी के खिलाफ जिस प्रकार जिन संगठनों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उसके बाद में जिस प्रकार की कृत कार्य किया है, उस पर आज जो है उत्तराखंड विकास मंच ने जो है मार्च निकालकर उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हम मांग करते हैं कि जिस प्रकार का ये किस प्रकार का प्रदूषण बोला जा, शांति का प्रदूषण बोला जा रहा है और अशांति का जो प्रदूषण जो लोग बोल रहे हैं इस देश के अंदर, मैं समझता हूं उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज होने चाहिए और जो उनका संगठन है उसकी मान्यता समाप्त की जानी चाहिए। क्योंकि महात्मा पर किसी प्रकार का भी टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। आज राजनीतिक पार्टियां उनका अनुसरण करती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो। मैं समझता हूं जितनी भी देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां वो सारा महात्मा गांधी का अनुसरण करती हैं, महात्मा गांधी के नाम पर चलने का काम करती हैं। और कुछ लोग जो हैं अशांति का प्रदूषण फैलाकर महात्मा जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने देश पर अपने प्राण निछावर कर दिए। मैं समझता हूं कि नई पीढ़ी पर यह संदेश अच्छा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने यह कार्य किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। आज हमने इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। यदि भारत सरकार इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी और उनकी मान्यता समाप्त नहीं करेगी और इसका संज्ञान नहीं लेगी, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं के हरिद्वार से एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और महात्मा जी के नाम पर और तमाम लोगों को हम उन्हें संगठित करने का काम करेंगे। आज नए नए पाठ्यक्रम के अंदर हमें महात्मा जी का अनुसरण सिखाया जाता है और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के अंदर पूरा स्वच्छता अभियान चलाने का काम करते हैं, वो महात्मा गांधी के नाम से करते हैं और अन्य प्रकार की योजनाएं भारत सरकार चलाने का काम करती है। ऐसे टाइम पर, ऐसे समय पर मैं समझता हूँ जो लोग महात्मा जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा जी ने महात्मा की उपाधि हरिद्वार से पाई थी, महात्मा जी का जो गांधी जी का नाम महात्मा जो पढ़ा था वो हरिद्वार से पढ़ा था। दयानंद जी ने उनको ये खिताब दिया था यहाँ से गुरुकुल के अंदर से, जो महात्मा बने थे पूरे राष्ट्र के अंदर उनको महात्मा गांधी की उपाधि हरिद्वार से दी गई थी। और आज हरिद्वार से हमने इस बात का उद्घोष किया है कि निश्चित रूप से जिन लोगों ने यह कृत कार्य किया है उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और भारत सरकार को इसे संज्ञान में लेकर सबसे पहले उनके संगठन की मान्यता समाप्त करनी चाहिए और देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए।
जसपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने रात चेकिंग के दौरान कार में सवार दो लोगों को रोककर उनकी जमा तलाशी में बड़ी मात्रा में नशे का सामान बरामद किया। पकड़े गए आरोपी अंतरराज्यीय गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं जो यूपी से लाकर नशे का कारोबार करते थे। पुलिस को पता चला कि दोनों आरोपी यूपी के बरेली के फतेहगंज का कुलदीप और दूसरा सोनू मुरादाबाद के रामनवाला गांव का रहने वाला है जो यूपी के फतेहगंज से प्रतिबंधित अफीम को लाकर उत्तराखंड और अन्य प्रदेशों में जाकर भेजा करता था। रात्रि में पुलिस हमारी ध्यान नगर बैरियर के पास में चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान एक गाड़ी को रोका गया। उस गाड़ी में दो व्यक्ति बैठे हुए थे और उनसे रात में इस टाइम आने के बारे में पूछा गया तो थोड़ा सा शक पका गए। फिर उनकी जमा तलाशी ली गई तो मौके पर हमने सीओ साहब को भी वहाँ से इन्फॉर्म किया, वो भी आ गए। जमा तलाशी पर उनके पास से करीब 1 किलो अफीम बरामद हुई है। ये लोग यूपी के रहने वाले हैं, एक फतेहगंज पश्चिमी का रहने वाला है जिस व्यक्ति का नाम कुलदीप है और एक सोनू नाम का व्यक्ति है जो रमनावाला और ठाकुरद्वारा का रहने वाला है। दोनों से करीब आधा आधा किलो अफीम बरामद हुई है। इनको अंतर्राज्यीय गिरोह कहा जा सकता है, यूपी से लाकर ये उत्तराखंड और दूसरे राज्यों में इसकी सप्लाई करते हैं, तो एक तरह से अंतर्राज्यीय गैंग हुआ। फतेहगंज पश्चिमी और फरीदपुर के जो पूछताछ में आया है कि वहाँ से लाकर ये यहाँ पर इसकी सप्लाई करते थे। जो अभी कुछ पता चला है पूछताछ से कि करीब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत 20 से 25 लाख के आसपास है। आज इनका कितना बड़ा रैकेट है और किस किस को यहाँ पर सप्लाई करते हैं इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। बाकी सभी पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आज इनको जेल भेजा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भोगपुर में निर्माणाधीन सूर्यधार झील परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर कार्य प्रगति का जायजा लिया, जिसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार त्रिवेंद्र सिंह रावत विभागीय अधिकारियों के साथ भोगपुर पहुंचे, जहां सीएम ने स्वयं पैदल चलकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित विभागीय अधिकारियों से कार्य की गुणवत्ता और प्रगति से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल जवाब भी किए। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इस सूर्यधार परियोजना को सितंबर 2019 तक की डेडलाइन फिक्स करते हुए समयबद्ध तरीके से निर्माण कार्य करने को भी कहा। काम की प्रगति ठीक है और इंजीनियर जिनका साहब ने जैसे बताया कि सितंबर तक इसको कंप्लीट कर देंगे। मुझे लगता है कि जो हमारे किसानों को जो प्रॉब्लम होती है पानी की, विशेषकर जो निस्त्राबाद और रानीपुरी वाला पोर्शन है, पानी की सिंचाई की गेहूँ को अंतिम जरूरत होती है, बड़ी महत्वपूर्ण होती है, दाना समय परिपक्व होता है, अब उस सीजन में उनको पर्याप्त पानी मिलेगा। साथ ही पीने का शुद्ध पानी, ये लगभग 19 गांव इसमें कवर, उनको पीने का भी साफ स्वच्छ पानी मिलेगा। पानी तो अभी भी मिल रहा है, लेकिन इस योजना की जो सबसे बड़ी खासियत है ये सस्टेनेबल है। दीर्घकाल तक है, ट्यूबवेल कब धोखा दे देंगे कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। बढ़ते आगे, डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रही है असुविधाएं को दूर करने के लिए सीएमओ देहरादून और सीएम के ओएसडी धीरेन्द्र पंवार ने निरीक्षण किया। दरअसल उत्तराखंड राज्य में त्रिवेंद्र सरकार आते ही डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एमओयू के तहत हिमालयन हॉस्पिटल जोली ग्रांट को दे दिया गया था, जिसके बाद एमओयू में तय किया गया था कि डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हिमालयन हॉस्पिटल के डॉक्टर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज हिमालयन हॉस्पिटल और सरकार के बीच एमओयू को तो हुए 2 साल होने जा रहे हैं और आज भी हॉस्पिटल के हालात जस की तस हैं। वहीं तमाम अव्यवस्थाओं को और समस्याओं को जल्द ही दूर करने का आश्वासन दिया गया है। कल सीएम साहब ने पूरी विधानसभा की समीक्षा बैठक ली थी और उसमें कई विषय आए थे, जिसमें ये बहुत गंभीर विषय आया था डोईवाला अस्पताल का कि पीपी मोड के देने के बाद भी इसमें दिक्कतें आ रही हैं। और पीपी मोड में इसलिए दिया गया था कि जो मरीज हैं उन्हें अच्छी सुविधा मिले, अच्छी दवाइयाँ मिलें, इसलिए सीएम साहब ने पीपी मोड पे लेने का निर्णय लिया था और उसको गंभीरता से लेते हुए सीएम साहब ने ये जो हमारे सीएमओ हैं इनकी ड्यूटी लगाई कि आप इनके साथ जाइए और वहाँ की समस्या सुनिए और उसका निराकरण करिए। डोईवाला हॉस्पिटल के संबंध में समस्या आई है कि यहाँ पर एक तो जूनियर डॉक्टर आते हैं, उस विषय में हमारे अधीक्षक साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ एसआर आते हैं जो कि पोस्ट पीजी होते हैं, यानी कि वो एमडी एमएस के होते हैं,
उनको पूरे हर प्रकार की नॉलेज होती है, वो अपने सीनियर डॉक्टर से लगातार संपर्क में भी रहते हैं, अगर कभी कोई समस्या आती है उनसे लगातार बात करते हैं। मेरे द्वारा उनसे अपेक्षा की गई है कि हफ्ते में दो बार वहाँ जो प्रोफेसर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके यहाँ हफ्ते में दो बार उनकी विजिट कराई जाए, जिससे कि पब्लिक का भरोसा उस पर बढ़ा जाए। दवाइयों के अभाव के बारे में ये मुझे मालूम पड़ा है कुछ दवाइयाँ यहाँ पर नहीं है, इस विषय में कुछ समस्या अभी आ रही है, क्योंकि 100-300 जो दवाइयाँ खरीदी जाती थी उसमें अभी रोक लगी हुई थी, अब उसको खोल दिया गया है। हमारे द्वारा दवाइयों की परचेजिंग की जा रही है और बहुत जल्दी दवाइयों की यहाँ पर उपलब्धता सुनिश्चित। जसपुर के उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के विद्युत वितरण खंड जसपुर में लगभग एक साल पहले 47 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया था, जिसमें TG2 के पद पर तैनात हुकुम सिंह नामक एक कर्मचारी ने जमा बिल की 47 लाख की धनराशि सरकारी खाते में जमा न करने के आरोप में मुकदमा कायम कराया गया था। आरोप था कि TG2 ने उपभोक्ताओं से बिजली के जमा बिल करने के बाद सरकारी खाते में जमा नहीं कराए थे, जिसके बाद विभाग ने आरोपी TG2 सहित तत्कालीन ईई कैशियर लिपिक और सहायक लेखाकार को सस्पेंड किया था, जबकि तत्कालीन SDO का स्थानांतरण कर दिया गया था। लगभग एक साल तक चली पुलिसिया जांच के बाद पुलिस ने आज TG2 हुकम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की जांच आगे भी जारी है। सन 2018 में हमारे यहाँ एक अभियोग पंजीकृत किया गया था बिजली विभाग के कर्मी के द्वारा, करीब 47 लाख रुपए जो राजस्व जमा होता है वो जमा किया, लेकिन उसने वो अपने जिस अकाउंट में जमा होता था नहीं किया। उस गबन को लेकर अभियोग पंजीकृत हुआ, इसमें एक व्यक्ति उसी टाइम से अभी एक वांटेड चल रहा था, जिसको कल जसपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आज उसको जेल भेजा जा रहा है। यह अभी उस तरह की कोई रिकवरी नहीं है, काफ़ी चीज़ें उसने जो पता चला है कि जमा भी करा दी गई है और कुछ सामान अभी बचा हुआ है, आज उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बढ़ते आगे, उपजिलाधिकारी ने जनता की शिकायतों के आधार पर 3 हल्का पटवारियों और 2 संग्रह अमीनों के स्थानांतरण किए थे, परंतु सभी ने अपनी नई तैनाती पर जिम्मेदारी नहीं संभाली है, जिससे नाराज उपजिलाधिकारी ने 5 कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। वहीं उपजिलाधिकारी ने कर्मचारी राजस्व वसूली पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कुछ समय पूर्व कुछ पटवारी की शिकायतें भी आई थी, इनकी जांच भी अभी गतिमान है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रस्तुति की जा रही है और इनका कुछ स्थानांतरण किया गया था, क्योंकि लोगों के द्वारा काफ़ी शिकायतें की गई थी, तो मेरे भी द्वारा जब समीक्षा की गई तो कुछ शिकायतें सचवाई गई हैं, तो इनका चीज परिवर्तन किया गया था, लेकिन इन्होंने कल तक इन्होंने चार्ज नहीं लिया था, इसी के क्रम में इनके खिलाफ कार्रवाई की प्रथम दृष्टया इनको इनकी पे रोकी गई है, उसके बाद फिर अलग दूसरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन मौके पर मिलते नहीं हैं और लोग आते हैं उनका कार्य समय पर नहीं हो पाता है, इस तरह की शिकायतें थी, तो उनका संज्ञान लिया गया, विभागीय कार्रवाई की जाएगी और निलंबन की संशोधन की जाएगी। लक्सर कोर्ट में न जाने कितने जनमानस न्याय के लिए भीड़ की तादाद में खड़े रहते हैं और न्याय के लिए न जाने कितने लोग न्यायालय के चक्कर लगाते रहते हैं। वहीं लक्सर न्यायालय की सरकारी इमारत जर्जर हालत में नजर आ रही है, जिसे न जाने कितने जनमानसों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं कोर्ट के सभी वकीलों की जान खतरे में नजर आ रही है और वहीं आने जाने वाले जनमानसों पर भी कई तरह का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन कोई भी न्याय अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। देखिए, जहाँ तक वकीलों का चैम्बर का विषय है, उसका रखरखाव एवं उसकी मरम्मत का कार्य स्वयं अधिवक्ताओं के द्वारा देखा जाता है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसा खतरा है जिससे सामान्य जनमानस को कोई हानि हो सकती है, तो निश्चित तौर से मैं उसका संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई करके उसको समुचित कराने के लिए संबंधित को निर्देश करूँगा। जहाँ तक माननीय न्यायालय के भवन का प्रश्न है, इसके संदर्भ में डिमांड जो है रेज की गई है, जो मरम्मत की डिमांड है, यथाशीघ्र जैसे पैसा आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या SDM साहब को भी की है और DM साहब को भी की है, कई मरतबा इसकी शिकायत की जा चुकी है, तहसील दिवस पर भी की जा चुकी है, लेकिन इसमें जो है बार बार ये बात आती है कि बिल्डिंग अभी हैंड ओवर नहीं हुई है, ये बात कह करके जो है सब अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, और जिस दिन ये गिर जाएगी और किसी के ऊपर गिर गई कोई जनहानि होगी उसके बाद ही जो है इसकी कोई सुध ली जाएगी। इससे पहले भी इसका टुकड़ा टूट कर गिरा था और उसके संबंध में भी बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इस तरफ कोई ध्यान नहीं रहा। सरकारी बिल्डिंगों के रखरखाव जो है मेंटेनेंस सरकार की तरफ से नहीं किया जाता, एक बार बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है लेकिन उनका रखरखाव की जब बात आती है बिल्डिंग की, तो उस पर कोई केयर नहीं की जाती, कोई देखभाल नहीं की जाती, बिल्डिंग ऊपर से पूरी टपक रही है और इसमें जो अधिवक्ता ही अपने पैसे से इसकी जो है रेंडिंग वगैरह कराते हैं।
अच्छा। टूट के गिरने से यहाँ को काफी लोग आते जाते हैं, कि पता नहीं कितने लोगों की क्षति बहुत जा चैम्बरों के ऊपर चैम्बर जो अधिवक्ताओं के चैम्बर है, चैम्बर के नीचे अधिवक्ता भी दब जाएंगे, उनके पास क्लाइंट भी बैठे रहते हैं, वो उनका भी क्षति आओगी। सीनियर अधिकारी कम ध्यान दे रहे इस तरफ, ध्यान नहीं दे रहे वो तो, बस केवल एक बात कहते हैं कि ये अभी बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हुई है। वही उत्तराखंड में अब कोई भी गरीब जिसके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं हो, उनकी मुराद पूरी कर रहा है देहरादून जिले की पछवादून की हरवटपुर नगर पालिका। दरअसल हरवटपुर नगर पालिका अपनी पालिका क्षेत्र के गरीबों की मुराद पूरी कर रही है। हरवटपुर में 97 पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटित किए, जिनका निर्माण कार्य जोरों पर है। वहीं जब लाभार्थियों से जानकारी लेनी चाहिए तो लाभार्थियों का कहना था कि केंद्र की मोदी सरकार ने उनकी सुध ली है, पहले हम कच्चे टीन या कच्ची झोपड़ियों में अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन आज केंद्र सरकार की आवासीय योजना से हमें आवासीय लाभ मिल रहा है, हम केंद्र सरकार और हरवटपुर नगर पालिका शुक्रगुजार करते हैं। वहीं हरवटपुर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी 2022 तक इस योजना का पात्र लोगों को इसका लाभ होगा। नगर पालिका के माध्यम से 97 लोगों को चयनित किया गया है, और जितने लोगों को हम लोगों ने चयनित किया है वो वास्तविक पात्रता के श्रेणी में आए हैं। लगभग 97 लोगों को हमने चयनित किया जिनके मकान लगभग 50% बन चुके हैं और आगे कार्रवाई गतिमान है। 71 लोगों को हमने सेकेंड किस्त भी दे दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 2 लाख रुपए देने का प्रावधान रखा गया है, जो विधिवत रूप से दिया जा रहा है, और यह योजना 2022 तक चलेगी। अच्छा, ये बताए सर कि जो पात्र है वो कैसे पात्र है, कैसे किन पात्रों को आप दे रहे हैं जो पात्र? जहाँ तक पात्र की बात है, हम ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिनके ऊपर छत नहीं थी, जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते थे, उनमें हर वर्ग का आदमी है, अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है, सामान्य वर्ग के हैं, सारे लोग हैं जो श्रेणी में आए, सब लोगों को हमने पात्रता के आधार पर आवासीय योजना का आवंटन किया है। सर, अभी लगभग शेष कितने फॉर्म ऐसे हैं लोगों के जो चयनित होने हैं? ऐसे कोई हमारे पास पेंडिंग नहीं है, मतलब जितना आया था उतना प्रगति पे काम अच्छा चल रहा है, और हमारी योजना जो है 100% सही रहेगी। 2 लाख की सहायता मिली है, और इसमें तो पूरा भी नहीं हो रहा है, कुछ अपना पैसा भी लगाया है हमने जी, और थोड़ा बहुत इधर उधर से कर्ज भी उठा के लगाया है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और अभी लेंटर तक रह गया है, और अभी लेंटर की किस्त भी नहीं आई है। सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि वो आगे का पैसा जल्दी भेजने की कृपा करें। अच्छा, तो कैसे लग रहा है आपको सरकार ने जो आर्थिक? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो गरीब इंसान होते हैं वो इतना पैसा एक साथ नहीं जोड़ पाते हैं अपने घर मकान बनाने के लिए, सरकार ने इतना पैसे की सहायता की है तो अच्छी है, कुछ अपना भी लगा रहे हैं, तो इस वजह से हम सरकार का शुक्रगुजार करते हैं। खबर सितारगंज से। सितारगंज में पुलिस के जरिए लगातार नशे के खिलाफ अभियान जारी है, बावजूद इसके नशा कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि नशे का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार नशे के कारोबारियों को पुलिस अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। बावजूद इसके आज सितारगंज में 3.4 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार SI धीरज वर्मा रात को चीका घाट पुल पर चेकिंग कर रहे थे, जिसके बाद चेकिंग के दौरान एक युवक को रोका, तलाशी लेने पर उसके पास 3.4 ग्राम स्मैक बरामद हुई। साथ ही पूछताछ में युवक ने बताया कि मैं स्मैक पीता हूं और नानक मता से लाकर शहर के आसपास क्षेत्र में बेचता हूं। साथ ही पकड़े गए युवक ने अपना नाम मोहम्मद चांद पुत्र मुन्ना निवासी इस्लाम नगर वार्ड नंबर 4 सितारगंज बताया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद NDPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। जो स्मैक पकड़ी गई है, ये रात में पकड़ी गई थी और ये चेकिंग के दौरान पकड़ी गई। इसमें SI धीरज सितारगंज की मोबाइल से चेकिंग कर रहे थे और इन्हें एक पुल पे चिका घाट पुल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, तो उसके पास से 3.4 ग्राम स्मैक बरामद हुई। उसने बताया कि मैं पीता भी हूँ और बेचता भी हूँ, और उसके द्वारा बताया ये स्मैक नानक मत्ता से लाया था। आज उसको NDPS की धाराओं में रिमांड के लिए भेजा गया। लाल मेरे साथ उत्तराखंड की तमाम खबरों में इतना ही, नमस्कार।